समय समय पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस ब्रह्मांड में अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में अवतरित होते हैं। वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान भक्तों के साथ लीला करने, अपने भक्तों का उद्धार करने तथा ब्रह्मांड के उत्थान हेतु अवतीर्ण होकर प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कलयुग में भगवान छन्न वेश धारण कर अवतरित होंगे। आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण पश्चिम बंगाल के मायापुर नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वह भक्ति के आनंद का आस्वादन लेने व दूसरों को अपनी भक्ति सिखाने के लिए एक भक्त के रूप में आए। उन्होंने कभी भी स्वयं को परम भगवान नहीं कहा, क्योंकि यह उनके भक्त के भाव में विघ्न डाल देता। परंतु उनकी कई लीलाएं ऐसी भी हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान की हर लीला प्रेरणादायक और आनंद प्रदान करने वाली है। आज श्री गौर पूर्णिमा के अवसर पर हम महाप्रभु लीला पर आधारित नाट्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं। महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। बहुत से लोग उन्हें निमाई पंडित भी कहते थे। उनके घर के पास खोला बेच श्रीधर रहा करते थे। वह भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण सदैव हरि नाम का जप किया करते थे। जीवन व्यापन के लिए वह केले के पत्तों से कटोरी बनाकर बेचा करते और दिन में 1 रुपये कमाते। इसमें से केवल 25 पैसे वह अपने पास रखते, बाकी ब्राह्मणों को 25 पैसे और गंगा पूजा के लिए 50 पैसे दे देते थे। निमाए प्राय श्रीधर के पास जाकर उनका परिहास किया करते और उन्हें तंग भी किया करते थे। नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे निमाई आओ बैठो। आज इन केले के पत्तों का मूल क्या है श्रीधर? मात्र 8 कौड़ी। क्या इतना महंगा? मैं तो तुम्हें इसका आधा मूल भी ना दूं। तुम तो लोगों को लूट रहे हो। नहीं निमाई, आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए। सामान्यतः केलों के पत्तों का मूल्य यही है। अगर आपको इससे कम मूल्य में पत्ते मिल जाए तो आप वहाँ से ले लीजिए। चलो छोड़ो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। हाँ हाँ पूछिए। तुम हमेशा हरि का नाम जपते रहते हो ना? हाँ, भगवान हरि का नाम मेरे जीवन को सबसे सुखदायक और आनंद प्रदान करने वाला है। तुम तो उस लक्ष्मीपति की सेवा करते हो, वह तुम्हारे लिए क्या करते हैं? बताओ बताओ। तुम सदैव भूखे रहते हो और तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। कम से कम मैं भूखा नहीं हूँ, और देखो मेरे पास कपड़े भी है। भले ही ये अच्छे और सही नाप के नहीं है, परंतु इससे मेरा तन तो ढका रहता है ना। लेकिन श्रीधर, तुम्हारे कपड़े कई जगह से फटे हुए हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर की छत पर कोई भूसा भी नहीं है।
देखो चारों ओर यहाँ के नागरिक काली माता की पूजा करते हैं और इनमें से किसी को भी भोजन, कपड़े और मकान का अभाव नहीं है। तुम बातें अच्छी बनाना जानते हो निमाई, परंतु सामान्यतः यहाँ सभी एक जैसा जीवन ही जी रहे हैं। एक राजा सुंदर महलों में रहकर सारे ऐश्वर्यों का भोग कर रहा है, वहीं एक चिड़िया एक छोटे से घोंसले को बनाती है और बाहर भोजन ढूंढकर खाती है। लेकिन मूल रूप से सभी के जीवन का दृष्टिकोण एक समान है। भगवान की व्यवस्था से सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मुझे विश्वास है कि तुमने अपने पास बहुत सारा धन छिपाया हुआ है जिसे तुम किसी को भी नहीं बांटते और इसका आनंद लेते रहते हो। ओ निमाई पंडित, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो मेरी झोपड़ी भी देख सकते हो। जल्दी मैं सारे संसार को बता दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे लोगों को धोखा देते हो। हे ब्राह्मण, अपने घर जाओ और मुझे परेशान मत करो। श्रीधर के पास इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, कृष्ण प्रेम। समय आने पर मैं यह सभी के सामने प्रकट करूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बताओ तुम मुझे आज क्या खिलाओगे? मैं एक साधारण पत्तों से कटोरी बनाकर बेचने वाला हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तुम्हारे छिपे धन को कभी बाद में लूंगा, परंतु आज तुम मुझे केले के पत्ते डंठल मुफ्त में दोगे तो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। ये ब्राह्मण तो बहुत तेज है, मुझे डर है कि किसी दिन वे मुझे मार भी सकता है। और अगर वो मुझे मारता भी है तो मैं क्या कर पाऊंगा? साथ ही साथ मैं इन्हें कुछ भी नहीं दे सकता जो ये हर दिन चाहते हैं। परंतु ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर ये मुझसे कुछ जबरदस्ती या छल से लेना भी चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी गरीब परिस्थिति के बाद भी ये मुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो मैं इन्हें प्रतिदिन दूंगा। हे प्रिय ब्राह्मण, आपको इसके लिए कोई भी धन देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो ले जाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये केले के डंठल और कुछ सब्जियों को भी ले जाइए और कृपया मुझसे लड़ाई मत कीजिए। यह एक अच्छा समझौता है, अब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। परंतु मुझे प्रतिदिन जो केले मूली और पत्ते देंगे वे अच्छे होने चाहिए। अगर आप इसी तरह हर दिन पत्तों को मुफ्त में ले जाओगे तो मैं गंगा माई की पूजा कैसे करूंगा? गंगा? तुम्हें गंगा माता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निमाई पंडित, तुम ये ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? देखो तुम मेरी पूजा करो, मैं सबका स्वामी हूँ। सारी भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं का उद्गम मुझसे हुआ है, स्वयं गंगा का उद्गम भी मेरे चरणों से हुआ है। इसीलिए तुम मेरी पूजा करो श्रीधर, तुम मेरी पूजा करो। तुम मेरी पूजा करो श्रीधर, तुम मेरी पूजा करो। विष्णु 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 विष्णु। निमाई हमेशा अपने घर पर श्रीधर के पत्ते तथा दोने में भी भोग ग्रहण करते थे और श्रीधर की दी गई सब्जियां और केले उत्सुकतापूर्ण ग्रहण करते थे। युवा अवस्था में निमाई का नाम श्री गौर सुंदर भी हुआ। महाप्रकाश लीला में उन्होंने सब भक्तों को अपने अलग अलग रूप के दर्शन दिए। इसी तरह उन्होंने श्रीधर को भी कृष्ण बलराम रूप में दर्शन दिया। भगवान के दर्शन कर श्रीधर ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति गायन की।
शिरोमणि केवल आनंद कंदा सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ श्रीधर, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। नहीं प्रभु, मुझ जैसे पतित को अपने दर्शन दिए वही बहुत है। नहीं श्रीधर, तुम निडर होकर कहो क्या चाहते हो। श्रीधर, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ मुझे। वो ब्राह्मण रोज मेरे पास केले के पत्ते चुराने के लिए आए। मेरा मन सदैव उस ब्राह्मण के चरणों में लगा रहे जो मुझसे विवाद करता और परेशान करता है। यही मेरी इच्छा है प्रभु, यही मेरी इच्छा है। श्रीधर, तुम तो सबसे धनी व्यक्ति हो, ये आज संसार के सामने प्रकट हो गया। मैं सदैव आपके नाम का जप करता रहूं, मेरा मन कभी भी विचलित ना हो, ऐसा उपकार मुझ पर कर दीजिए प्रभु, ऐसा उपकार मुझ पर कर दीजिए। हे श्रीधर, तुम मेरे वास्तविक सेवक हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अपने ऐश्वर्यों को प्रकट किया, लेकिन तुम्हारा ध्यान तनिक भी मेरी भक्ति से नहीं हटा, इसलिए मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात दक्षिण भारत की यात्रा पर गए, तब उन्होंने बहुत से जीवों का उद्धार किया। उन्हीं में से एक उनके परम भक्त वासुदेव विप्र थे, जो कुष्ठ रोग से अति प्रभावित थे। हे विप्र, आपने इन कीड़ों को वापस अपने घाव पर क्यों रख दिया? मेरा यह शरीर कुछ काम में तो आ सके, कृष्ण से विमुख होने के कारण मेरे शरीर का कोई उपयोग नहीं है। कम से कम कीड़ों का आहार तो बन सकता है। आपको इन कीड़ों को काटने से बहुत पीड़ा होती होगी। कई जन्मों से हम भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत में कष्ट पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। इन सब के बीच कुछ क्षणिक सुख के लिए हम भगवान को भूल जाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। भगवान से विमुख होकर जो पीड़ा होती है वह इस घाव की पीड़ा से अधिक कष्टदायी है। क्या आपको पता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में ठहरे हुए हैं? क्या तुम सत्य बोल रहे हो, महाप्रभु यहाँ आए हुए हैं? हाँ, बहुत से लोग जाकर उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं भी उनके दर्शन करने के लिए आतुर हूँ। क्या वह इस पापी को अपने दर्शन देंगे? कल प्रातः काल मैं वहां जरूर जाऊंगा।
रुकिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? मैं महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। आपने बहुत देर कर दी, कुछ समय पूर्व महाप्रभु यहां से प्रस्थान कर गए। क्या वह चले गए? अब मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। हाय, मैं कितना पापी हूं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। महाप्रभु के दर्शन प्रिय वासुदेव, विप्र उठो, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। विप्र उठिए। नहीं नहीं महाप्रभु, मेरे पास मत आइए। तुम तो मेरे लिए बहुत प्रिय हो। नहीं 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 नहीं, मैं एक दरिद्र पापी ब्रह्म बंधु हूं और आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, परंतु फिर भी आपने मुझे गले लगाया है। हे परम दयालु भगवान, आपके जैसी कृपा किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ऐसी कृपा एकमात्र आप ही दे सकते हैं। मेरे शरीर से बुरी दुर्गंध के कारण एक निम्न व्यक्ति भी दूर भाग जाता था, परंतु आपने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। मैं इसका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। कहीं मैं महाप्रभु की कृपा से अभिमानी तो नहीं बन जाऊंगा? हे ब्राह्मण, व्यर्थ चिंतित ना हो। आप सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सदैव भगवान कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला का प्रचार कीजिए, जिससे इन बद्ध जीवों का उद्धार होगा। शीघ्र ही भगवान कृष्ण आपको स्वीकार करेंगे। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी के नगर नगर, ग्राम ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। पिछले युगों में मैंने असुरों का उद्धार करने के लिए कभी सुदर्शन
तो कभी धनुष धारण किया, किंतु इस युग में असुरों का उद्धार करने के लिए मेरा शस्त्र है हरि नाम, केवल और केवल हरि नाम। इस हरि नाम के माध्यम से ही जीवों का उद्धार होगा और उन्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता।